बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ओवन में मूंग दाल की खिचड़ी बनाएंगे। खिचड़ी बनाने के लिए हमें चाहिए चावल 3/4 कप, जो कि मैंने भिगो दिए हैं। 1/4 मूंग की दाल ली है, जिसको भी वॉश करके भिगो दिया है। ओवन को प्री हीट कर लेंगे। पैन में ऑयल लेंगे। इसमें गरम मसाला जात ऐड करेंगे, कई पत्ता, दालचीनी, लौंग, जो कुछ आप ऐड करना चाहें, ज़ीरा है, ऑयल में मिक्स कर लेंगे और प्री हीट ओवन में 5 मिनट के लिए रखेंगे। ओवन से निकाल लिया है। ज़ीरा हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें हम मूंग की दाल ऐड करेंगे। राइस ऐड करेंगे। वन टीस्पून सॉल्ट, 2 कप वाटर। चम्मच हिला लेंगे। और इसे ओवन में 20 मिनट के लिए रख देंगे। टेंपरेचर 1 पर। बीस मिनट के बाद पैन निकाल लेंगे और चावल को कुछ हिला लेंगे और इसे फिर से ओवन में रख देंगे। अब क्या हम इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। गुजर चुके हैं। पैन को कुछ वक्त ओवन में रहने देंगे। कुछ मिनट के बाद खिचड़ी रेडी हो चुकी है। चम्मच हिला लेंगे और प्लेट में निकाल लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आमीन।